हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो हमारी उम्र के साथ साथ हमारे दांत का साइज यानी कि टीथ का साइज भी क्यों नहीं बढ़ता है। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग की उम्र भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्यों नहीं हमारे दांतों का साइज भी बढ़ता जाता है। एक निश्चित समय के बाद से दांत का जो साइज है यानी कि जो इसका नॉर्मल ग्रोथ है वो रुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले फिगर से समझिए, ये हो गया, हमने स्ट्रक्चर एक बता दिया आपको, ये टीथ का स्ट्रक्चर हो गया। नॉर्मली जो ये पल्प है, बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पल्प, तो ये जो पल्प कैविटी होती है, पल्प कैविटी इज लाइंड बाई ओडोंटो ब्लास्ट सेल। ओडोंटो ब्लास्ट सेल, ठीक है, इसी ओडोंटो ब्लास्ट सेल का पूरा फंक्शन है हमारी टीथ के ग्रो में। तो ये जो पल्प कैविटी है, ये पूरी लाइन रहती है ओडोंटो ब्लास्ट सेल से। तो ये जो ओडोंटो ब्लास्ट सेल है, जब तक एक्टिव रहती है तब तक हमारी सेल जो हमारी टीथ है वो ग्रो करती रहती है। तो यानी कि एक्टिव जब तक रहती है तो टीथ ग्रो, ठीक है। यानी कि ओडोंटोब्लास्ट सेल का एक्टिव होना हमारी टीथ के ग्रो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, यानी कि एक हम लोग जैसे ही नॉर्मल एडल्ट स्टेज में आते हैं, इन एडल्ट स्टेज ये जो पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी श्रिंक करने लगती है, यानी कि सिकुड़ने लगती है। ये पल्प कैविटी के श्रिंक करने की वजह से जो ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। ड्यू टू इनएक्टिव ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल टीथ ग्रो स्टॉप, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा यही फंक्शन यही है कि जब तक पल्प कैविटी आपकी श्रिंक नहीं होगी, ओडोंटो ब्लास्ट सेल नॉर्मली फंक्शन करेगा। जैसे ही पल्प कैविटी श्रिंक कर जाएगी, यानी कि ओडोंटो ब्लास्ट सेल इनएक्टिव हो जाएगा और हमारी टीथ ग्रो करना बंद कर देगी। तो आई होप आपको ये फंक्शन जो है या जो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।